गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मटिहानी विधानसभा बेगूसराय जिला बिहार सहित संपूर्ण भारत के लोकतंत्र के महान रक्षक मतदाता भाई को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं। खबर महोबा से है, जहां महज एक महीने में ही निर्माणाधीन सड़क घंटों में तब्दील हो गई। जहां लाखों रुपए की लागत से एक रात में बनी निर्मित सड़क में हजारों घोटाला सामने आया है। लोगों की माने तो ठेकेदार ने जेई से साठ काट कर हजारों रुपए का टक ली, जिसकी शिकायत कस्बे के जागरूक लोगों के द्वारा उच्च अधिकारी से की गई और अवर अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन शायद नोटों की चमक के आगे कस्बा वासियों की शिकायत फीकी रही। जनपद के कस्बा चरखारी तहसील के चेयरमैन के मकान से पचराहा लगभग 200 मीटर तक मार्ग में टॉप कोर्ट के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसका निर्माण नगर पालिका चरखारी के निर्देशन में शुरू हुआ। लेकिन ठेकेदार और अवर अभियंता के भ्रष्टाचार ने शासन की मशा पर पानी फेर दिया। सड़क निर्माण की सामग्री और गुणवत्ता विहीन दिखी। ठेकेदार और अभियंता ने सड़क की गुणवत्ता को दरकिनार कर अपनी जेब भरना शुरू कर दिया और इसके साथ ही जनता में आक्रोश बढ़ गया, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई। लेकिन अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सड़क की अनुमानित 12 से लेकर 13 लाख लागत से निर्माण की गई थी, लेकिन ठेकेदार और अभियंता मुन्नीलाल ने लाखों रुपए का हेरफेर किया और एक रात में निर्माण की गई सड़क में गड्ढों में तब्दील हो गई। लोगों ने इसे भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश भी जताया और कई बार शिकायत की है और मांग भी की है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इस संबंध में जब अधिशासी अभियंता नगर पालिका से बात की गई तो सड़क के अनुमानित लागत और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उन्होंने सड़क की जांच और कार्रवाई करने और रिपेयर करने की बात कही, पर सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के प्रति उजागर होती है तो अधिकारी जांच और कार्रवाई का आश्वासन देकर मुद्दे से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने 7 दुकानों का अपना निशाना बनाया। कहीं ताले तोड़े तो कहीं छत दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों रुपए का सामान पार कर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने चोरी की घटना के बाद प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मामला थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित सीहोर बम्बा के निकट का है, जहाँ बीती रात अज्ञात चोरों ने किराना की दुकान सहित टेलीकॉम, शू सेंटर और खाद भंडार की दुकान समेत 7 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदारों ने पुलिस को घटना की जानकारी देकर चोरों को पकड़ने की मांग की और आक्रोशित दुकानदारों ने पुलिस पर कट्टी वाहनों से अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। नाम तुम्हारा? दिनेश कुमार। पिताजी का नाम? श्री शिवराज सिंह। कहाँ चोरी हुई, कैसे हुई है ये? शेयर बम्बा पर चोरी हुई है सर, छत काट के। जी, और कितने रुपए तक का सामान ले गए? लगभग 1 लाख रुपए का कार, मोबाइल की दुकान थी तो सामान ज्यादा था, 1 लाख रुपए का लगभग सामान चोरी हुआ। तो यहाँ पुलिस का गश्त नहीं रहता? पुलिस का पता नहीं सर, पुलिस होती तो चोरी क्यों होती। अच्छा अच्छा, तो पुलिस की कार, पुलिस की भी लापरवाही है इसमें? हाँ जी हाँ, पुलिस की लापरवाही है, पुलिस होती तो चोरी क्यों होती है। जी, खबर आगरा से है, जहाँ सीतानगर लिंक रोड निनुहाई रामबाग स्थित माँ चामुंडा देवी मंदिर पर प्रतिवर्ष की तरह 10वीं विशाल साई पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। साई पालकी के साथ साथ कई भगवानों की सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली गई। साई पालिका का शुभारंभ मंदिर के महंत निरंजन लाल कोलाजी के द्वारा किया गया। साई पालकी के शोभा यात्रा में सभी साई भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माँ चामुंडा देवी पूजा समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र गोला, कृष्णा कुशवाहा, राजू मंगल इंद्रजीत समेत तमाम लोगों ने, सभी साई भक्त भी मौजूद रहे। कुंदरकरी विधानसभा 29 से टिकट मिलने के बाद जियाउर रहमान वर्क ने क्षेत्र वासियों से जनसंपर्क कर वोट की अपील की और कहा कि हम सिर्फ दबे कुचले गरीबों की आवाज उठाने आए हैं। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ गरीबों को विकास के नाम पर ठगा है। भाजपा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता भाजपा को वोट दी। बता दें तो प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, इसका दावा भी किया गया। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां थाना सुनगढ़ी के मोहल्ले शिव कॉलोनी के रहने वाले गैस व्यापार की दुकान पर आबकारी विभाग के द्वारा छापा मारा गया, जिसमें गैस व्यापारी की पत्नी का आरोप है कि अपने पीने के लिए दारू उसके पति ठेके से खरीद कर लाए थे और आबकारी विभाग के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि रुपये तो फर्जी मुकदमा बनाकर जेल में भेजने की धमकी दी गई। बता दें पूर्व में भी सुनगढ़ी पुलिस के द्वारा ऐसा ही मामला बनाकर गैस व्यापारी को जेल भेजा जा चुका है। आबकारी विभाग और पुलिस कर्मचारियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की है। पीने के लिए
तो भी पकड़ ले गए। नहीं तो अपने पीने के लिए ला रहे हैं, बेचते हैं वो तो कह रहे हैं बेचते हैं अपने पीने के लिए। अच्छा, आपका नाम राजेश्वरी है, आपके पति थे धनपाल? पति तो कौन ले गया? पुलिस वाले ले गए। कौन गाड़ी से आए थे? और घर की तलाशी लाशी ली गई? पूरे मकान की तलाशी ले गए। घर में कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं। क्या मिला उन्हें? देसी रंगीन पौवे बता रहे हैं कि मिले हैं चार। चार पौवे देसी होंगे, एक उनका एक रंग का। चलो, हरिशंकर सेन समाज सेवी श्रीनगर की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।